अब ऐसी भी क्या बात कर दी थी मैंने जो नायाब ने मुझसे इस तरह बात की। तुम्हें बात करने की जरूरत क्या थी? फिर वही बात, मैंने कोई बात नहीं की, जो नायाब ने कहा वही बोला मैंने। अब उसको तो यकीन था कि वो साथ जाएगी। इबाद का मूड खराब हो गया था, उन दोनों के बीच में पता नहीं किस बात पे तकरार हो रही थी, वो खाना अधूरा छोड़कर चला गया। खैर, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, बीवी को साथ ले जाना ना कोई जुर्म की बात नहीं होती। बात जुर्म की नहीं है, ये उनके घर का आपसी मामला था, उसकी माँ का मूड भी खराब हो गया था। क्या हो गया सुहेल, आपको कितनी दफा कहूं, मैंने कोई दखल अंदाजी नहीं की है। जो उसने कहा मैंने बोल दिया, मुझे क्या पता था ये बात बोलना मेरे लिए अजाब बन जाएगा। नायाब से बात करनी पड़ेगी अब मुझे। आपसे क्या बात करनी, तमाशा ही बना दिया इन लोगों ने। मैं तो बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा। क्यों, ये बात सच नहीं है? तुम नायाब को और गुड्डू को अपने साथ लेकर जा रहे हो बाहर। तुम्हें नहीं लगता कि माँ के पास उसे रहना चाहिए, इनकी खिदमत करनी चाहिए, ना कि तुम उसे साथ लेकर चले जाओ? पहली बात तो यह है कि मैं नायाब को अपने साथ लेकर नहीं जा रहा, और दूसरी बात, अगर मैं लेकर भी जा रहा हूं तो इसमें बुराई क्या है? अम्मी अकेली नहीं होंगी यहां पर, सिद्रा होगी उनके पास, बहुत अच्छे से ख्याल रखती है वो अम्मी का, तुम्हारी तरह नहीं है, शुरू से वही रही अम्मी के साथ। क्यों, सिद्रा को हमेशा घर पर बिठा कर रखने का इरादा है, उसे रुखसत नहीं करना हमने? जाहिर है कल को अपने घर चली जाएगी, मेरी माँ तो अकेली रह गई ना। और ये सब बातें तुम्हारी बीवी को सोचनी चाहिए, उसे तो परवाह ही नहीं है। तुम देख लो, तुम बात बहुत आगे बढ़ा रही हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। सच कह रही हूं मैं, हक की बात कर रही हूं मैं। तुम अपनी बीवी बच्चे को साथ ले जाओगे तो तुम्हारा तो ध्यान हर वक्त उनमें रहेगा ना, काम कैसे करोगे? और वैसे भी बीवी के अलावा तुम्हें और किसकी समझ आती है? साइमा आपी, मैंने इनसे कुछ नहीं कहा। तुम तो चुप ही रहो, कितनी सीधी हो तुम, सब पता है मुझे। क्या किया है मैंने, बताएं ना मुझे। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, चलो। देखो जरा, अरे कोई सैर सपाटे करने नहीं जा रहा, रिस्क रोजी कमाने जा रहा है, और तुम उनके पीछे ही पड़ गई। मैं क्यों उनके रिस्क के पीछे पड़ूंगी, कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ तो क्या गलत कह रही है साइमा, अरे जब से शादी हुई है तुम्हारे घुटने के साथ तो लग के बैठा हुआ है, अब अगर कमाई करने के लिए जाने का सोच भी लिया तो तुम्हारा रोना पीटना शुरू हो गया कि हम भी साथ जाएंगे, हमें भी साथ लेकर जाओ। तो नहीं लेकर जा रहे ना, मैं हो गई आप लोगों की ख्वाहिश पूरी, यही हूं मैं आप लोगों के पास, आप सबकी खिदमतें करने के लिए, शायद इसीलिए मुझे इस घर में लाए थे। बड़ी खिदमतें करती हमारी, हर बात में बोलना इसका बहुत जरूरी। अरे अरे तुम कहां जा रहे हो बीवी की मिन्नतें करने, कुछ तो अपने मर्द होने की भी लाज रख लो। बिल्कुल सही कह रही हूं मैं, बीवी के अलावा ना इसको किसी की समझ आती है और ना ही कोई दिखाई देता।